We'll try and talk about it more, and I'm sure all of you have been writing about it. All of you have visited the ground also, seen the polling stations for yourself, and have been part of us. We have walked together, whatever had happened in these last 3 months. Let's see what had happened. So the first major story, we have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever anywhere in the world in any of the electoral exercise, that's what is the number of voters. And this is, just to give you some small statistics, this is 1.5 times of the voters of all G7 countries, US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India. Let's see what happened next. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this, we feel, is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters by this. I would ask all of you to join and hand. These are, you are all our voters. So we thank you all. We salute all our voters, all our women voters, who have really come and voted in this election, including all of you. You have also voted. I know many of you. I personally know the experiences which you have had on the polling station. Let's see what happened next. 85 plus and PWD voters, we again salute them. We again salute them. It has also not happened ever. Unke ghar ghar jaake humne vote liya. और आपके भी घर में कहीं ना कहीं आसपास में किसी ना किसी बुजुर्ग ने वोट दिया होगा, जिसकी वजह से वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए. सो दीज आर द इनक्रेडिबल स्टोरीज ऑन द पॉजिटिव नोट विच वी वांट टू टेल यू. और जहां वुमेन का प्रश्न आया, मैंने पूछे वोटर्स दिखाए थे, हमने पूरे चुनाव में ये कोशिश की कि वुमेन डिग्निटी पे कोई भी वर्ड किसी के मुंह से पॉलिटिकल पर्सन के ना निकलने पाए. अगर निकल भी गया तो उसको हम इतनी स्ट्रांग नैरेटिव और इतना स्ट्रॉन्ग वर्डेड एडवाइजरी दी है. वी फील दैट इन टाइम्स टू कम द पॉलिटिकल पार्टीज वुड ऑल्सो लर्न, द कैंडिडेट्स वुड ऑल्सो लर्न टू नॉट अटर ए अनडिग्निफाइड वर्ड अगेंस्ट द वुमेन ऑफ आर नेशन. दिस इज वॉट वी हैव अटेम्प्टेड टू सेटल बाई गिविंग एडवाइजरीज, एंड वी होप दैट दिस इज नॉट ओनली ड्यूरिंग इलेक्शंस इन पॉलिटिकल पार्टीज, बट द डिस्कोर्स अगेंस्ट वुमेन वुड बी generally respected and would be in a different tenor. Friends, home voting में जिन लोगों ने हमारे साथ वोट दिया, ये हमारे लोकतंत्र के गणनायक हैं. आजादी के पहले का भारत इन्होंने देखा है, और पिछले 70 सालों में इन्होंने देश की एक एक चीज में, तरक्की में और कार्य में भाग लिया है. इनको भी हम दिल से नमन करते हैं कि इतने दिल से इन्होंने हमारे इलेक्शंस में भाग लिया. और हमारा तजुर्बा ये कहता है कि जब हम इनके, हमने सबके घर में पर्ची बांटी कि आपको 12D भरना है, लेकिन मेजॉरिटी ने हमसे ये कहा कि हम बूथ पर आना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू सेलिब्रेट, वी हैव बीन गोइंग टू द बूथ, वी वॉन्ट टू गो टू द बूथ, एंड दैट्स द स्पिरिट. और हम समझते हैं कि इससे आने वाले समय यूथ भी इससे प्रेरणा लेंगे. सो जस्ट टू क्विकली शो यू हाउ मच ऑफ द वर्क वॉज इन्वॉल्व इन दिस, जस्ट सी. We have told you about 1.5 crore polling and security persons, but there were around 68,000 monitoring teams. वो क्या कर रही थी ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको. तो ये साइलेंट स्टोरी है जो बैकग्राउंड में चल रही थी, और 2-3 महीने के नैरेटिव में ये कहीं आती ही नहीं है. जाती है कहाँ, खो जाती है. 135 स्पेशल ट्रेन चल रही थी जो फोर्सेस को इधर से उधर लेके जा रही थी. 4 लाख से ऊपर व्हीकल, 1692 से ऊपर की सॉर्टीज जो पोलिंग पार्टीज को में जंगल में पहाड़ पे लेके जा रही थी. अनसंग हीरोज ऑफ आर
of our elections, and it's a matter of serious research and study. ये लोग 1.5 करोड़ 50-60 लाख लोग जो बिल्कुल पोलिंग कराते हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक दिन पहले मिलते हैं और अचानक से एक जैसा 10-10.5 लाख बूथ पे एक इलेक्शन रिजल्ट इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग आपस में अगर 5 लोग किसी डिफरेंट ऑफिस से आके मिल के बैठे हैं तो कितनी भी ट्रेनिंग कर लें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी देर लगाएंगे एक काम को करने में। और ये पोलिंग स्टेशन पर जाके और किस तरह से जाते हैं ये हम बताएंगे। तो इनके इनको अभी हम सम्मान करना चाहते हैं बहुत अधिक। आपको दिखाता हूँ कि इनकी वीडियो क्या करते हैं ये। कैन वी शो द वीडियो? செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.